तो आज की वीडियो में हमें कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। इस पूरे वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप डुअल डिग्री लेते हो ना, तो डुअल डिग्री टोन के डुअल फ़ायदे होते हैं और कमाल का है डुअल डिग्री का फ़ायदा। आप लोगों को इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। देखो, जो लोग आईटीआई कर रहे हैं ना और आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक करने जाते हैं, तो ऑब्वियसली मैं पहला तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके माइंडसेट में है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है, तो आईटीआई से बेटर है कि आप पॉलिटेक्निक की तरफ मूव ऑन कर जाओ। एक सिनेरियो तो ये बनता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप आईटीआई के बाद मतलब पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वेलकम है आपका। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। और पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे फर्स्ट टाइम आया चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इसी टाइप की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। तो देखो, आईटीआई अगर आप करते हो, आईटीआई और पॉलिटेक्निक, आईटीआई के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करने आते हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी होती है। और ये डुअल डिग्री टोन का फायदा आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में मिलेगा और गवर्नमेंट इंडस्ट्री में मिलेगा। चलिए बता दें थोड़ा सा प्राइवेट इंडस्ट्री में किस तरह से आपको ये डुअल डिग्री का फायदा मिलेगा। डुअल डिग्री का पहला तो है कि आईटीआई बेस पे आप प्राइवेट इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में जा सकते हो। क्योंकि मान लो अगर पॉलिटेक्निक बेस पे कंपटीशन हो रहा है, नहीं जा पा रहे हो, आईटीआई लेवल पे आप क्रैक करके जा सकते हो। अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया ना, तो आईटीआई लेवल पे चीज़ें बड़ी आसान लगने लगती हैं, वो चीज़ें आपको समझ आने लगती है। दूसरा एक बड़ा फायदा है, जिस फायदे के लिए आई थिंक 90% लोग जाते हैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए, कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में मुझे इसका फायदा मिलेगा, और बिल्कुल मिलता भी है। जो लोग आईटीआई करते हैं, आईटीआई के बाद फिर पॉलिटेक्निक करते हैं, वो लोग जो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है और सारे एग्जाम है, अगर वहां नहीं क्रैक कर पाते हैं, तो आईटीआई लेवल पे एग्जाम देते हैं। और आईटीआई लेवल पे शायद उनके लिए चीजें आसान होती हैं, वो इजी वे में कर पाते हैं चीजें, उनके लिए मतलब बहुत ही इजी हो जाती हैं। तो वो चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिस चीज पे मैं फोकस कराना चाहता हूं कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों अगर आप करते हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा और चीजें भी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन उसका सही यूटिलाइजेशन करना आपको आना चाहिए। अगर आप सही से यूटिलाइज नहीं करते हो, आईटीआई या पॉलिटेक्निक में से किसी एक का सही यूटिलाइजेशन नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो देखो आईटीआई कर रहे हो ना, सबसे पहले आईटीआई लेवल पे आप ट्राई करो कि अप्रेंटिस कर ले, जॉब मिल जाए बेटर है। नहीं मिलता है तो आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम जरूर दो। आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो ऑब्वियसली अगर अच्छी रैंक लेकर के आते हो, डायरेक्ट पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा। सिर्फ 2 साल के लिए आप पॉलिटेक्निक करोगे, तो वहाँ पे चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगी। मतलब आपको समझ आ जाएगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हूँ या मेरा पोटेंशियल कितना है। अपने आप को चेक जरूर करो। और देखो, एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना कभी मत भूले, एंट्रेंस एग्जाम जरूर दो। भले आपको आईटीआई के बाद जॉब करना है, एक बार अगर अच्छी रैंक मान लो आ गई, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, अच्छी रैंक आ गई, अच्छी जगह में एडमिशन हो गया, तो वहाँ से शायद आईटीआई लेवल पे जॉब से बेटर है कि आप पॉलिटेक्निक की तरफ मूव ऑन करो। क्योंकि वहाँ पे मूव ऑन करोगे, तो आपको बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स रहेंगे। पॉलिटेक्निक लेवल पे जब आईटीआई वाले पॉलिटेक्निक करते हैं, तो वहाँ पे उनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है, करियर में स्टेबिलिटी होती है, और जो जॉब का लेवल होता है वो थोड़ा सा एक लेवल आगे हो जाता है। आईटीआई लेवल पे तो बहुत मशीनरी लेवल का वर्क होता है, कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक लेवल पे वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो चीज़ें उस वे में जानना बड़ा ज़रूरी है कि जिस वे में आप चीज़ें को समझना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, और उसी अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। जब तक आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाओगे, जब तक इस अपॉर्चुनिटी को आप समझोगे नहीं, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पॉलिटेक्निक वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, आईटीआई के साथ अगर पॉलिटेक्निक करते हैं, तो आपके लिए डुअल डिग्री का डबल बेनिफिट्स है। लेकिन उसका फ़ायदा उठाने आपको आना चाहिए, तभी ये बेनिफिट्स हो पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं उसका फ़ायदा ही नहीं उठाते, उनको समझ में नहीं आती कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। हमें सब अपनी जो लास्ट डिग्री होती है पॉलिटेक्निक, उसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते, उसी पर ही बात करेंगे, उसी का यूटिलाइजेशन करने की सोचेंगे। तो बस वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पर हो, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।